अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। और सबसे पहले आपको ये दिखाती हूँ, तैबा ने कुछ चीज़ें अपने लिए ऑर्डर की थी और ये मग बहुत ही प्यारा लगा था मुझे, बहुत खूबसूरत सा था। साथ में से छोटा सा एक पैन मंगवाया था। ये चाह रही थी कि बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का एग जो है वो बने। और अक्सर ये होता है ना, जब हम फ्राई एग खाते हैं तो वो ज़रा सा पैन बड़ा होने की वजह से थोड़ा शेप है उसका डिफरेंट हो जाता है, तो बच्चों को अच्छा लगता है इस तरह बनाना, तो इसने ये सोच के मंगवाया था। बहरहाल ये बहुत ही अच्छा बना था, ये फ़र्स्ट टाइम इसे ट्राई कर रही थी, तो इसके ऊपर इसने थोड़ी चीज़ डाल दी थी, एक स्लाइस चीज़ का रख दिया था एग जैसे फ्राई हुआ ना, तो बहुत अच्छे से वो मेल्ट भी हो गया और ऊपर इससे अपनी मर्ज़ी के स्पाइस डाल लिए थे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि मतलब मुझे पसंद आया है ये पैन इस हिसाब से, और जल्दी से कुक हो जाता है इस पर। तो पेपरिका डाल के सॉल्ट डाल दिया था, हल्का सा ऑरिगानो डाला था इसने, और बस इसे ये था कि मैं स्लाइस पर रख के इसे खाऊँगी, और अच्छा लगा था मुझे, काफ़ी पसंद आई ये चीज़। और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ज़रा थोड़ा सा चेंज हो तो अच्छा भी लग रहा होता है साथ में, मतलब मूड भी चेंज हो जाता है जब अच्छा सा स्पेशल सा आप नाश्ता करते हो, प्रेजेंटेशन के साथ कोई चीज़ अपने लिए डालते हो बनाते हो। तो इसको अक्सर होता है शौक़ ऐसे काफ़ी इन चीज़ों का, तो ये अपने लिए स्पेशल सुबह का नाश्ता ज़रूर बनाती है और ये सब करती है। साथ इसने नाश्ते में आज ऑरेंज जूस लिया था, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ इस तरह के पैन, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एग देखें कितना ज़बरदस्त बना था, और मतलब वही होता है ना कि हाफ फ्राई जिसे हम कहते थे, तो ये इस टाइप का था। हेलो, व्हाट आर यू गोइंग टू प्ले? बास्केटबॉल। Show your outfit. Wow, you look so cute. You like your shirt? Yeah. Is it colorful? White. White? Yeah, me, me. I think. Can you try and shoot? I did it. Very good, Ala. Anaya did it better than you. Oh, good job, Ala. Anaya, come back and throw. Can I try, Anaya? May I have the ball? No? Oh, thank you. Here you go. Itni kareeb se. Yeah. Good job, Anaya. Now, Emma's turn. Wow, very good, Emma. Nice. सॉरी Allah just broke it. No, I didn't. Yes, you did. It's fine. अच्छा जी, आ जाएं किचन में और चलते हैं बनाते हैं लंच। और बच्चे चाह रहे थे बिल्कुल डिफरेंट लंच होना चाहिए, मैंने कहा ये रेसिपी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैं बना रही थी बुरीटो। बुरीटो बहुत मज़ेदार बनता है और रोल टाइप होता है, तो इसके लिए जो जो चीज़ें चाहेंगी वो दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने लिए हैं मशरूम, और आप ड्राई मशरूम भी ले सकते हैं, ड्राई चिली भी ले सकते हैं, इन्हें सोख कर दिएगा, मगर मेरे पास मशरूम फ्रेश थे तो मैंने इस तरह ही सिर्फ चिली को सोख कर लिया था। क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने इसे पेस्ट बनाना है, तो जो जो चीज़ें जाएँगी साथ मैं वो भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमें सारे पेस्ट को जो है ना मैरिनेट करने के लिए चिकन पे रखना है। मैंने साथ सूखा धनिया पाउडर लिया था, आप भून के भी रख सकते हैं इसे, और वो बहुत ज़बरदस्त सा एक अरोमा आता है इसका। तो ज़ीरा जाएगा, बीच में सिनेमन पाउडर जाएगा, तो यही है इसकी दो तीन चीज़ें इस तरह की हैं जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो बहरहाल मैं आपको बता भी रही हूँ, चिली ऑयल जाएगा। चिली ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आप सादी चिली डाल के ऑयल डाल लीजिएगा। साथ में नमक ऐड कर रही हूँ, नमक और ये सब चीज़ें अपने फ्लेवर के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी जाहिर से बातें क्वांटिटी के हिसाब से बना रही थी। साथ मैंने पेपरिका डाला था, और अब ये था कि मेरे पास भी चिली ऑयल यहाँ पर नहीं था, मैंने ये सोचा कि बहुत सारे घरों में नहीं होता, तो हम ये करते हैं कि साथ में वेजिटेबल ऑयल डाल देते हैं और चिली डाल देते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। साथ में मैंने दो लीमों का रस लिया था, ज़बरदस्त से जूस उसका, जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा होगा उतना मज़ेदार फ्लेवर आएगा। अब इसे ब्लेंड कर लेंगे और चिकन पे हम पूरी लगा के रख देंगे। तकरीबन एक घंटे के लिए ज़रूर चिकन रखिएगा ताकि फ्लेवर बहुत स्ट्रांग सा आ जाए।
तो वो यहाँ मेरे पास जो चिकन थी तकरीबन 2 kg के करीब थी, और मैंने ये सारा बैटर इस पे अच्छे से डाल दिया है। इसे हम अच्छे से ग्लव्स पहन के मिक्स करेंगे, अगर ग्लव्स नहीं है तो चम्मच के साथ मिक्स करिएगा, क्योंकि चिली बहुत स्ट्रांग होती है, हाथ में बाद में जलन होती है। तो यहाँ इसके साथ जो दूसरी चीज़ हम बनाने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने प्याज दिए थे, ऑयल डाला, बारीक स्लाइस हैं प्याज के, तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसे मैंने स्लाइस के हिसाब से काट लिया था। और इसमें जाएंगी किडनी बीन जो कि मैंने बॉयल करने रख दी थी, क्योंकि अचानक ही बच्चों का मूड हुआ था कि मम्मा डिफरेंट बनाएं, कुछ डिफरेंट खाने का दिल हो रहा है। कभी कभी बच्चे इस तरह करते हैं तो ये होता है कि भाई उनकी खुशी के लिए आपको करना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो अगर आप मुझे ढूंढ के दे दो जो आप लोगों को खाना है मैं वो बना दूंगी। अच्छा मम्मा आपने एक बहुत टाइम पहले ये बनाया था, आप बना के खिलाएं। तो साथ ही मैंने राइस बॉयल कर ली थी क्योंकि इसमें राइस भी जाएंगे, और लाइम राइस हम बनाएंगे। लाइम राइस के लिए जो कि मैंने सामान लिया था मैं आपको बता देती हूँ। लाइम की जो स्किन होती है ना उसे मैंने कद्दूकश कर लिया था, और लेमन की स्किन को भी ले लिया था। तो दोनों कलर की आप देख रहे हैं इसमें है, और इसे हमने इसमें ऐड कर दिया था। साथ खूब सारा हरा धनिया था और बटर लिया था। साथ में फ्लेवर के लिए मैंने यखनी डाल दी थी, चिकन ब्रॉथ जो होता है, ताकि अच्छा से एक फ्लेवर आ जाए, साथ में लेमन जूस जाएगा। तो इसके साथ ये बहुत मज़ेदार राइस बन जाते हैं, आप कभी ट्राई करिएगा। क्योंकि थोड़ा सा ये इसके साथ चीज़ें क्वांटिटी वगैरह जो है मैं आपको लोगों को साथ साथ बता रही हूँ। तो ये राइस हम इसे ठंडा करने रख देंगे तैयार करके एक तरफ, और साथ में इसकी जो हम फिलिंग और तैयार कर रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो इसे थोड़ा सा मिक्स करने में थोड़ा टाइम लग गया था मुझे। साथ देख लें प्याज सौटे हो गए, इसके अंदर मैंने थोड़ा लहसुन डाला है और साथ में हरी मिर्चें डाली हैं। साथ जो चीज़ें जाएंगी वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सिरका डालेंगे इसमें हम, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और साथ में इसमें यखनी जाएगी, और इससे पहले जिसमें जाएगा वो किडनी बीन है जो कि मैंने बॉईल करके रख ली थी। और ये पूरा एक पेस्ट सा तैयार हो जाएगा इसकी फिलिंग, और ये बहुत मज़ेदार लगा था। जैसे सैलेड वगैरह बनता है ये उसकी जगह पे ये बनेगा। तो आप लोग एक दफ़ा देख लेंगे तो आप लोग आराम से बना भी लेंगे, और एक डिफरेंट चीज़ होगी, अच्छी भी लगेगी। ये देखिए मैं भी इसमें जो है चीज़ें ऐड करती जा रही हूँ साथ साथ, इसे थोड़ा सा टाइम भी दे रही हूँ कुक करने के लिए। किडनी बीन मैंने अभी अभी बॉयल की थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो जाहिर सी बात है मैंने बताया कि बच्चों का अचानक ही मूड हो गया था खाने का, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बना देती हैं। जब भी कभी होता है ना कि बच्चों का दिल करे तो दिल भी होता है कि पेरेंट्स का भी कि जो जो चीज़ें मांग रहे हैं उन्हें दे दूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें अब यखनी ऐड की है, चूल्हा बंद करके मैं इसमें खूब सारा बटर डाल दूँगी। उससे क्या होगा कि मतलब फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा, और जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ इस तरह की रोल और ड्राई टाइप की होती है तो उसके अंदर फ्लेवर ना हो तो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो आप इसी तरह अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अब बारी आ गई थी जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी उसे हम सॉटे करेंगे, और बहुत आराम से हो जाती है, बहुत मज़ेदार बनती है। आप ट्राई करिएगा, अगर वैसे ही आपको बनानी हो ना ये चिकन की रेसिपी, खाली चिकन बनाने के लिए भी अच्छी है। बोरीटो के लिए जो टोटियास बनेंगे, जो रैप बनेंगे ना, उसके लिए जो मैंने मैदा लिया था, मैदे के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है, और वार्म वाटर से उसे गूंद के अच्छी तरह से मैंने रख दिया था। और बहुत छोटे से पेड़े लेने हैं, और जितना बड़े साइज़ का आपका पैन है आप बना सकते हैं, तवे पे बना लें, क्योंकि रैप जितना बड़ा होता है ना तो रोल करने में उतना आसान हो जाता है। बहरहाल मेरे पास जो साइज़ था मैंने उसके हिसाब से बनाया। ये बहुत बारीक सा बेलना है हमें, और बहुत जल्दी से ये बन भी जाता है। तो ये कि थोड़ा पहले आटा गूंद के रखेंगे, तो आटा जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लेता है, जैसे मैदा वगैरह कोई भी चीज़ है। बस इसे सेकते जाएंगे और तैयार करके हम रखते जाएंगे। हम इसके बाद आपको दिखाएंगे कि रोल कैसे बनते। अच्छे लगे थे, बच्चों को काफ़ी पसंद आए थे। तो एक तरफ मैं रोटियां बना रही थी, दूसरी तरफ तैबा जो है सारी चिकन को जो तैयार हो गई थी उसे काट काट के पीस में रख रही थी, क्योंकि हमें फिलिंग में इसे डालना था तो इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब साथ साथ एक एक शॉट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपका दिल करे तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया था बनाते हुए भी, और खाते हुए बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था। कभी कभी इस तरह की चीज़ें जो है मूड को मैंने कहा ना अच्छा कर देती हैं। तो खैर बच्चे सारे मेरे साथ बिजी हो गए थे इस तरह के काम में, क्योंकि उनका अपना दिल कर रहा था ना चेंज खाने को। तो तैबा तो माशाल्लाह वैसे ही काफ़ी हेल्प करवा देती है, उनका उनके मूड पर होता है। तो वो उनका काफ़ी दिल था कि मम्मा ये मुझे अच्छा लग रहा है, ज़रा स्पाइसी भी है और यम्मी सा लग रहा है। तो अब बारी आ गई थी रैप तैयार करने की, और इसके लिए जो जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपके सामने हैं टोटीज़ बहुत अच्छे से बन गए थे, तो ऊपर मैंने राइस फैलाए थे जो आपके सामने हमने तैयार किए हैं। इसके ऊपर हम जो चीज़ें डालेंगे, सबसे पहले आएगा अनियन और बीन्स जो हमने तैयार करके रखे थे वो फैला देंगे। साथ ही हम चिकन ऐड कर देंगे, और टमाटो थे वो मैंने बारीक बारीक काट के रख लिए थे। आप उसमें सालसा टाइप भी बना सकते हैं, आप कोई सॉस भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके फ्लेवर पर अगर आप लोग पसंद करते हैं। तो कैचअप मायनीज के बगैर बहुत सारे लोग खाते नहीं हैं। खैर इसमें बहुत सारी चीज़ भी आएगी ऊपर, और ये हम उसके ऊपर अच्छे से चीज़ को फैला देंगे, और उसके बाद इसको हम रैप कर देंगे। और बहुत अच्छा बना था, मैं आपको कटिंग करके इसकी दिखाऊंगी। थोड़ा सा ये है कि वो हेल्दी है काफ़ी मील ये ना,
तो एक ही रोल इतना है कि नफ है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, तो मुझे अच्छा लगा। मैं कहीं ये तो अच्छा है, फुलफिलिंग वाला है, तो कभी आप ट्राई करें तो मतलब आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और आप लोग से कैसा बना ये भी ज़रूर बताएगा। देखें आप, देखने में ही बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और अगर आप इसके साथ सॉस खाना चाहते हैं तो किसी भी तरह की सॉस तैयार कर लें, सैलड तैयार कर लें, और भी मज़ा आएगा। तो मैंने कुछ इस तरह से बनाया था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं करके दिखा सकती थी वो मैंने दिखा दी। और ये इसकी फाइनल लुक है, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।